नमस्कार और मेरे चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ हैं खुश हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं ख्याल रख रहे हैं का मतलब याद है ना उसे याद रखना बहुत जरूरी है सबसे पहले मैं अपनी प्यारी सी ऑडियंस को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ फॉर पोरिंग योर हार्ट आउट इन द कॉमेंट सेक्शन लास्ट वीडियो के कॉमेंट्स रीड करके आई वॉज ऑन क्लाउड नाइन ऐसी ऑडियंस इस क्वालिटी ऑफ ऑडियंस के लिए आई डोंट थिंक यूट्यूब में किसी के भी पास इतनी कुल cool ऑडियंस है जो कि अपना दिल खोल के कमेंट सेक्शन में रख देती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू आई फील प्राउड आई फील प्रेवलेज फॉर द क्वालिटी ऑफ ऑडियंस आई हैव आई ओ इट टू ईच वन ऑफ यू यू थैंक फॉर ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन मी इस प्रेरणा की प्रेरणा होने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया आज के वीडियो में मैं अपनी प्यारी सी ऑडियंस के लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रेमेडी विच इज गोइंग टू तो बेयर वंडरफुल ऑफ रिजल्ट फॉर यू ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है सबसे पहले ऑल द हेयर एंथुसिया जो कि अपने बालों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं

सारी नेचुरल रेमेडीज है एंड बिलीव मी वेन यू अप्लाइड ऑन योर हेयर यू वुड सी ट्रिमेंडस चेंज लेकिन नेचुरल रेमेडीज को अपना बिल्डअप आपके बालों में करने में वक्त लगता है इसीलिए प्लीज बी पेशेंट बिलीव इन द रेमेडी बिलीव करना पहला स्टेप है इसका जो ब्यूटीफुल मैजिक है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए इसीलिए डू बिलीव इन द रेमेडी एंड देन डू इट इसको ट्राई करने के लिए स्केप्टिकल होकर ट्राई मत कीजिए बिलीव इन द रेमेडी एंड डू इट इट इज गोइंग टू बी यू नो बहुत गुना बढ़ जाता है उसका मैजिक वेन यू एक्चुअली बिलीव इन इट ऑल्सो वो लोग जिनको बहुत ज्यादा ग्रे हेयर होने के चांसेस हैं उनकी फैमिली में ग्रे हेयर का यू नो सिस्टम चला आ रहा है तो इस पर्टिकुलर मास्क का रेगुलर इस्तेमाल रेगुलर का मतलब कभी भी रोज नहीं होता है रेगुलर से मेरा मतलब है आप इसको वीकली ट्राई कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड येस इट इज गोइंग टू गिव यू वरफुल रिजल्ट मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूं कि हेयर फॉल का कंप्लीटली रुक जाना इज इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली नॉट हेल्दी हेल्दी 50 टू 100 स्ट्रैंड्स का गिरना पर डे डिपेंडिंग अपॉन योर डेंसिटी नॉर्मल एंड लेकिन अगर आपको बहुत हेयर फॉल हो रहा है दैट्स द कंडीशन जब हम कोई रेमेडी अडॉप्ट करते हैं इस पर्टिकुलर रेमेडी से ना केवल आपका हेयर फॉल रेगुलेट होगा बल्कि आपके बालों का टेक्सचर इंप्रोवाइज हो जाएगा आपके बालों में किसी भी प्रकार का कोई भी डैंड्रफ या इंफेक्शन हो रखा है वो फिक्स हो जाएगा अगर आपके बालों में वो जान नहीं है वो डलनेस है तो ये जो इंग्रेडिएंट्स आज इस्तेमाल होने वाले हैं दे आर नथिंग बट योर डॉक्टर आपके बालों का डॉक्टर इनको कहा जाता है एंड ये आपके बालों के लिए बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स बेयर कर सकते हैं इंक्लूडिंग रिवर्सिंग योर ग्रे हेयर जी हां अगर आपके ग्रे हेयर प्री प्रीमेच्योर्ड हैं लाइक अभी यू नो एज नहीं है और पहले आ रखे हैं तो ये रेमेडी आपके बालों को जड़ से काला कर देती है एंड इट बेयर वंडरफुल रिजल्ट फॉर यू सो लेट्स चेक आउट वॉट नीड्स टू बी डन तो इस मास्क को प्रिपेयर करने के लिए आपको तीन मैजिक हे डॉक्टर्स चाहिए एंड दैट इज योर रीठा आंवला एंड शिकाकाय मैं यहां पर खादी नेचुरल्स के तीनों ही पाउडर इस्तेमाल कर रही हूं रीठा आंवला एंड शिकाकाय के अगर आपके पास ये नहीं है तो इनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी आप अपने लिए डेफिनेटली ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपके पास रीठा आंवला एंड शिकाकाय तीनों ही फ्रूट्स हैं ड्राइड फ्रूट्स हैं तो आप इनके सीड्स हटा के इन्हें कूट सकते हैं मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं और इनका पाउडर प्रिपेयर कर सकते हैं दैट विल ऑल्सो डू एप्सिल नो प्रॉब्लम इस रेमेडी के लिए मैंने तीनों ही चीजों के दो टेबल स्पून लिए हैं यानी कि दो टेबल स्पून ऑफ रीठा दो टेबल स्पून ऑफ आंवला एंड दो टेबल स्पून ऑफ शिकाकाय ये तीनों ही चीजें आपके बालों के लिए वो मैजिक क्रिएट कर सकती है जो कोई और इंग्रेडिएंट नहीं कर सकता ये तीन डॉक्टर्स हैं त्रिमूर्ति आपके बालों के लिए जो कि आपके बालों को एक नई जान दे सकती है रीठा इज एक्चुअली कॉल्ड सोप नट्स यानी कि ये साबुन का काम करते हैं लेकिन ये आपके बालों को जो शाइन देते हैं ना वो कोई और चीज दे ही नहीं सकती गिव इट गेवर अट्राइफ योर सेल्फ एंड यू विल सी कि इससे ज्यादा बेटर शाइनियर थिंग आपके बालों को एक ग्लॉस एक चमक आती है ना बालों में वो रीठा आपको प्रोवाइड करता है शिका काय शिकाकाय इज इट बिलोंग्स टू द वॉलनट फैमिली वॉलनट आपका दिमाग तेज करता है और शिकाकाय आपके बालों को स्ट्रॉन्ग करता है आपके बाल अगर ब्रिटल है बीच से टूट जाते हैं तो शिकाकाय इज समथिंग दैट कैन बिल्ड इट अप यू नो एक एक बैरियर क्रिएट कर देता है कि कोई भी आपके बालों को यू you नो know, वो वो एड देखा है वो खींचने वाला बस वही शिकाकाय का कमाल होता है आंवले के बारे में तो मुझे आपको बताना ही नहीं है कि आंवला इज द सुपर फूड not ली फॉर योर बॉडी बट फॉर योर हेयर ऑल्सो विटामिन सी कैल्शियम vitamin D, ये सभी चीजें आपके बालों को चाहिए और calcium that is I'm sorry, आंवला में भरपूर मात्रा में है आंवला आपके बालों को काला करता है आपको पता है आंवले में जरा करके देखिए जरा आंवले पाउडर से हाथ काले हो जाते हैं कंप्लीटली आंवला इज समथिंग अमेजिंग जो आपके बालों से आपके बालों को ना एक, एक प्रोवाइड करता है एक बूस्ट की भैया बिहेव योर सेल्फ That's what, uh, you know, does. For the preparation आपको एक बोल में लेना है दो टेबल स्पून ऑफ आंवला दो टेबल स्पून ऑफ चिकाकाय और दो टेबल स्पून ऑफ रीठा इनको आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसमें आपको डालना है आधा कप वॉर्म वाटर अब आपको वाटर एक साथ नहीं डालना आप थोड़ा थोड़ा करके डालिए और इसको अच्छे से एक पेस्ट के तरह आपको बना लेना है जब ये पेस्ट बन जाए क्योंकि वॉम वाटर से आपने यू you नो know, इसको मिक्स किया है तो ये अपना जो ब्यूटिफुल न्यूट्रंस है वो लूज करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि सॉल्वेंट मिल चुका है उन्हें तो दे विल स्टार्ट यू नो रिलीजिंग दे ब्यूटिफुल एंजाइम्स इन इट और आप इसको ढक कर रख देंगे फॉर 15 मिनट्स 15 मिनट के बाद कोई ज्यादा फर्क आपको दिखेगा नहीं लेकिन जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं वो काफी लूज हो चुके हैं अपनी प्रॉपर्टीज रिलीज कर रहे हैं इसमें आपको ऐड करना है दो एग योक जो लोग एग का इस्तेमाल नहीं करते हैं वो यहां पे बनाना का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वो यहां पर फ्लैक्सीज जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम अब अगर आप देखें तो ये सभी चीजें फ्रूट है बनाना इज अ फ्रूट रीठा आंवला शिकाकाय ये भी फल हैं। इसमें आपको लेना है हाफ अ लेमन लेमन से बाल सफेद हो जाते हैं टू ऑल द ब्यूटिफुल पीपल ऑफ देर अगर आप लेमन को डायरेक्टली अपनी जड़ों में लगाते हैं तो आपके बाल डेफिनेटली वाइट हो जाएंगे लेकिन अगर आप लेमन को डायल्यूट कर देते हैं किसी चीज में तो आई प्रोमिस यू आपके बाल वाइट नहीं होंगे प्लीज बी एप्सोल्यूटली श्योर कोई परेशानी नहीं है बहुत ही माइल्ड सिट्रिक एसिड हो जाता है जैसे आप उसको यू you नो know, किसी चीज में मिक्स करते हैं और वो आपके बालों को एक आपके स्कैल्प को ना एक बोल्ट प्रोवाइड करता है एक फ्रेशन अप करता है कोई भी इंफेक्शन अगर हो उसको हटाता है इट इज समथिंग वेरी वेरी ब्यूटिफुल फॉर योर स्किन एंड फॉर योर हेयर तो प्लीज डोंट बी स्केप्टिकल अबाउट इट सो ऑल द इंग्रीडियंट्स इन द बोल आप इसको अच्छे से स्टर कीजिए एंड योर मास्क इज रेडी एग आपके बालों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है इतना शाइनियर बनाता है आपके बालों को एक प्रोटीन की कोटिंग दे देता है कि आपके बाल बिल्कुल नरिश रहते हैं बनाना या फ्लैक्सीज जल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पता है कि वो आपके बालों को मॉइस्चराइज करते हैं आपके बालों में जो डलनेस आ जाती है उसको लॉक करते हैं एंड इट बेयर्स वंडरफुल रिजल्ट्स फॉर द अपेयरेंस आपके बालों का जो अपेयरेंस है जो दिखते हैं वो बाहर उस पर काम करता है तो ये सभी इंग्रेडिएंट्स एक बोल में आ चुके हैं एंड योर रेमेडी इज एप्सल्यूटली रेडी कैसे इस्तेमाल करना है आपको अपने बालों को एज आई ऑलवेज से सुलझा के रखना है जब आप अपने बालों को अच्छे से सुलझा लें तो आप पार्टीशन करते जाइए और सबसे इंपॉर्टेंटली अपनी जड़ों पर लगाते जाइए क्योंकि जहां पर ये एक्चुअल में इंस्टिगेट करेगा यू नो आपके बालों के अंदर तक जाएगा और वहां पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा यहां पर मैं सिर्फ अपने स्कैल्प पर नहीं और अपनी लेंथ पर भी अप्लाई कर रही हूँ आप अपने हिसाब से इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है मैंने इसको एज अ मास्क पूरे बालों में अप्लाई किया आई एम इन लव विद मास्क मैं अपने स्कूल के डेज से ये मास्क ट्राई कर रही हूं And it has borne wonderful results for me since then. मैं अपनी हिना में इसको इन्फ्यूज करती हूँ मैं डायरेक्टली ऐसे इसको लगा लेती हूँ दिस इज समथिंग वेरी वेरी पावरफुल फॉर यू अगर आप अपने बाल डाई करते हैं अगर आपको ज़्यादा सफ़ेद बालों का इशू नहीं है तो बिलीव मी आप इसको ट्राई करती रहिए यू नो वीकली और आपको जो ग्रे हेयर हैं वो थोड़े डार्कर साइड में जाते जाएंगे एंड यू विल बी रियली हैप्पी अबाउट इट एप्लीकेशन के बाद आप इसको 20 टू 30 मिनट्स अपने बालों में रहने देंगे अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप एक घंटे के लिए भी रहने दे सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई भी इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं है जो आपके बालों को हार्म करे अगर ज्यादा देर रख लिया जाए तो आप इसको अच्छे से रहने दीजिए एग एंड रीठा ये दोनों ही साबुन होते हैं इसीलिए जब आप इसको वॉश करेंगे तो झाग अपने आप बनेगा लेकिन क्योंकि एग की स्मेल होती है जो कि हालांकि नींबू की वजह से काफी कम हो जाएगी लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा शैम्पू कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड वंस यू आर डन क्या करना है वापस आना है हम सबको बताना है कि कैसा रहा मैजिक वो तो आप सभी जानते हैं आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर कि यू आर गोइंग टू बी मैसमराइज क्या रिजल्ट्स आपको मिलेंगे क्योंकि ये रेमेडी बहुत ही सिंपल है आप इसको बिल्कुल भी ये मत समझिएगा कि ये तो अरे इतना सा था क्या बस ट्राई कीजिए ये काफी पावरफुल है रीठा आंवला आमला शिका है. आर अमेजिंग फॉर योर हेयर आपके बालों में एक नई जान आ जाएगी अगर आपके बाल बिल्कुल ही खत्म हो रखे हैं आई वुड से गिव दिस ट्राई यू आर गोइंग टू बी रियली हैपी ब्लिस विजिट फॉर दिस वीडियो आई होप यू एंजॉयड इट अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा डू प्रेस द बेल आइकन क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ मेरा पूरा परिवार यहां पर होता है आई वुड लव टू हैव यू एज वेल